करनी है। हमारे तो अफसर वहाँ जाकर के बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कब आए लोग और हम उनको लेके चले, लेकिन चिंता का विषय है कि इस तरीके के परियोजनाओं में सेफ्टी प्रिकॉशन अत्यंत जरूरी होता है। और आपको पता है कि विगत वर्षों में उत्तराखंड में एक हादसे नहीं कई हादसे इसी तरीके की घटना में पहले भी झारखंड के कुछ मजदूर लपेट में आए और उनको भी जान से हाथ धोना पड़ा एनटीपीसी के प्रोजेक्ट से, फिर से ये घटना घटी। और ये एक दिन नहीं दो दिन नहीं अभी 10-12 दिन और अभी भी कोई सियोरिटी नहीं है कि क्या स्थिति है। खाना पानी ही देना बहुत जरूरी नहीं है, मानसिक तनाव किस तरीके से गुजर रहे होंगे वो लोग आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ऐसे प्रोजेक्ट्स में ये जरूरी होता है कि लोग घटना घटे तो उसके लिए हम तुरंत कैसे उसका समाधान निकाल पाए, लेकिन अब तो स्थिति ये है कि विदेशों से भी एक्सपर्ट लाने की बात हो तो ये बहुत चिंता का विषय है। और अब तो जो हुआ है सो हुआ है, अब तो इंतजार करने के अलावा कोई उपाय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मजदूरों के प्रति जो संवेदनाएं होनी चाहिए सरकार की वो बहुत अच्छा नहीं है।